श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री वल्लभा की जय चौरासी वैष्णवन की वार्ता जय श्री कृष्ण छप्पनवे वैष्णव अच्युतदास, सारस्वत ब्राह्मण भाव प्रकाश अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक अच्युतदास सारस्वत ब्राह्मण सो कड़ा में रहते तीन की वार्ता को भाव कहते हैं भाव प्रकाश ये लीला में श्री यमुना जी की सखी हैं लीला में इनको नाम रसात्मिका है सदा संयोग में मग्न रहती थी सो कड़ा में एक ब्राह्मण सारस्वत के घर प्रगटे सो वर्ष ग्यारह के भय तब ब्याह भयो तब वर्ष चारी पाछे वह स्त्री मरी गई सो को बहुत दुख भयो सो दिन चारी लोग खाए ना बहुत दुख भयो सो एक दिन माता पिता ने बहुत कही परी माने ही कहे मैं वैराग्य ले तब पिता ने कही जो तू कहे तो तेरे दोए विवाह करी देऊँ यह कही के समझाए खवायो पाछे दस दिन पीछे पिता मरी गयो तब अच्युतदास और हु दुख किए पाछे चार ही दिन में माता मरी गई तब अच्युतदास घर ते निकसे सो बद्रीनाथ होए जगन्नाथ राय जी गए कहाँ श्री आचार्य जी पधारे सो कथा कहत हैं सो अच्युतदास बैठे सो कथा सुने परंतु दुख के मारे कछु समूझे नहीं। पाछे कथा करी चुके तब श्री आचार्य जी कहे अच्युतदास, तू ऐसो उदास क्यों है तब अच्युतदास रोवन लागे कहे महाराज मेरे दुख को पार नहीं है तब श्री आचार्य जी महाप्रभु कहे तू अपनो दुख कहे तो वाको उपाय हो तब अच्युतदास ने कही महाराज स्त्री माँ बाप सब मरी गए मैं कबू दुःख सो मैं कहा करूँ कछु उपाय समझत ना ही तब श्री आचार्य जी कहे या न्याय तेरो दुख सब दूरी श्री ठाकुर जी करेंगे तब अच्युतदास स्नान कर आए तब श्री आचार्य जी नाम सुनाए निवेदन कराए पाछे वेद मंत्र सो पढ़ी एक अंजुली जल छिड़क्यो तब अच्युतदास के हृदय में विवेक धैर्य भगवान को आश्रय दृढ़ हो गयो तब श्री आचार्य जी को दंडवत करी अच्युतदास ने कही महाराज मैं इतनो दुख यों ही पायो कौन की स्त्री कौन माता पिता यह शरीर मेरो ना ही तो शरीर के संबंधी को यों ही दुख कियो, मैं भगवान को दास होए के भगवान को भूलियो ताते दुख पायो अब मैं आपकी सरनी होए परम सुख पायो अब मोको आप टहल बताओ सो मैं करूँ तब श्री आचार्य जी कहे तू हमारे संग रही जो टहल होए तो सो बने सो करियो तब अच्छे से आचार्य जी के संग रहे सो एक पृथ्वी परिक्रमा में श्री आचार्य जी महाप्रभु की भली टहल तन मन लगाए के कियो सोशी आचार्य जी प्रसन्न होय के अडेल पधारे तब अच्युतदासो कहे अब तुम घर जाई के सेवा करो तब अच्युतदास के नेत्रन में जल भरी आयो कहे महाराज आपके वचनामृत सुने बिना दर्शन बिना मोको एक दिन रहियो न जाएगो लौकिक दुख सब आप दूरी किए आप विदा करो तो यह दुख दूरी करीवे को कौन सामर्थ्यवान है तब श्री आचार्य जी प्रसन्न होए अपनी पादुका जी की सेवा दीनी और कहे मैं तो पर बहुत प्रसन्न हो, सो जहाँ तू रहेगो, तहाँ मैं तुमको दर्शन दियंगो तुमको जो संदेह हो पूछियो तिहारो संदेह दूरी करोंगो, ताते अब घर जाए भगवत सेवा करो तब अच्युत दास श्री आचार्य जी को दंडवत करी श्री आचार्य जी की पादुका जी माथे पधराए विदा होए कड़ा में घर आए वल्लभ वैष्णव सदा सुहागी जोशी वल्लभ शरणे आवे सो सोपूरण बड़भागी की माला सोहे भाले तिलक रसाला तापर वल्लभि मुद्रा सोहे मुखबोले गोपाला मन धन वैष्णव पर वारू गाऊ शि गिरधर लाला आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास लाला वल्लभि वैष्णव सदा सुहागी जय श्री कृष्ण